आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। मुंबई कांग्रेस इफ्तार पार्टी में हाजी बब्बू खान, चरण सिंह छपराजी, असलम शेख, जीशान सिद्दीकी, बाबा सिद्दीकी शामिल हुए। देखते हैं महाराष्ट्र ब्यूरो प्रमुख अजीज शेख की रिपोर्ट। धन्यवाद दोस्तों। जिस तरह से आप लोगों ने देखे कि मुंबई कांग्रेस की आज इफ्तार पार्टी की हाजी बब्बू खान मेनोरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से उन्होंने इस पार्टी को अरेंज करे और सभी लोगों ने इसमें शिरकत करे और हमारे खुशी तौर पर साबिर भाई यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने सभी लोगों को एक पार्टी के अंदर इन्विटेशन देना और पार्टी मैनेज करना और सबका ध्यान देना जिस तरह से उन्होंने पूरा स्टार्ट को एंड करे। तो पहले यहाँ पे साजिद भाई हमारे ऑनलाइन प्रेस मीडिया एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी यहाँ पे जारा जी यहाँ पे मौजूद है, साबिर भाई है। तो पहले हम साकिब भाई से पूछ रहे हैं, साकिब भाई आप यहाँ पे इन्वाइट किए गए साबिर भाई के जरिए और हाजी साहब प्रभु थम सब के जरिए, तो सभी लोगों ने आपको पर्सनली बुलाया, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर मैसेज किया गया, आपने अफ्तारी करे साथ में बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, काफ़ी सारे लोग काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा, हाजी बब्बू खान साहब ने शाकिर कुरैशी बहुत अच्छा मैडम की टीम ने काफ़ी मेहनत करी थी, उन्हें यहाँ से मौका नहीं दिया, काफ़ी अच्छी तरीके से अफ्तारी का इंतजाम हुआ, खाना पीने का इंतजाम हुआ, माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। यही पूरी कांग्रेस की जो टीम है सबको मुबारकबाद देता हूँ और बहुत अच्छा। मैं जारा जी से पूछना चाहूँगा, जारा जी आप भी एक्टिविटी हो और साथ में काफ़ी आप सोशल एक्टिविटी प्रोग्राम के बारे में नाम साबिर भाई से मैं पूछ रहा हूँ, साबिर भाई आपकी टीम और जिस तरह से बब्बू खान साहब की पूरी मेजोरिटी की टीम है, सभी लोगों ने जिस तरह से इस प्रोग्राम को सफल बनाया और जिस तरह से आपने लास्ट क्लास को भी लोगों से रास्ता कायम किया आज के दिन में आप सबसे पहले मैं मेरे राष्ट्र चेयरमैन इमरान प्रताप गोरी साहब का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम अपने स्टेट में ये इफ्तार पार्टी रखें। हमारे जो मुंबई के इंचार्ज हैं महाराष्ट्र के अहमद खान साहब, हाजी बब्बू खान साहब, जिनकी निगरानी में ये पूरा प्रोग्राम रखा गया है, इसके सरपरस्त हाजी बब्बू खान साहब हैं, ये प्रोग्राम का सक्सेस हाजी बब्बू खान साहब हैं, सारा श्रेय उन्हें मिलता है। जिस तरीके से हाजी बब्बू खान साहब ने मीटिंग लेके, मैं उन्हीं का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, हमें गाइडलाइन दी गई थी कि ये जो इफ्तार पार्टी का प्रोग्राम रखा जाता है ये सिर्फ हमारे पार्टी वर्कर्स के लिए नहीं है, हमारे मुंबई में बेइंतहा पार्टी वर्कर्स हैं, अगर हम सिर्फ पार्टी वर्कर्स को इन्विटेशन देते हैं तो ये जितना तीनों चारों पाँचों ग्राउंड दिख रहा है ये छोटा पड़ जाता है। इस प्रोग्राम को लेकर हमारी ये उम्मीद होती है कि स्टेज में हमारे पार्टी के नेता होते हैं और जहाँ जितने लोग यहाँ नीचे रोज़ा खोलने आते हैं इन लोगों का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, हम इन्हें अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, हम इन्हें अपनी मानसिकता बताना चाहते हैं, हम सेक्युलर हैं, हम हर किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए हमने इस प्रोग्राम में जैन लोगों को बुलाया, बुद्धिस्ट लोगों को बुलाया, क्रिश्चियन लोगों को बुलाया, सिख लोगों को बुलाया, लाइक माइनॉरिटी में जितने आते हैं हमने हर किसी को यहाँ स्टेज पे और अपने इस ग्राउंड में फैला के लोगों को ये दिखाने का काम किया है कि हम सब एक हैं, जिसमें हमारा बहुत बड़ा सहयोग मैं नाम लेके कहना चाहूँगा एडवोकेट रुबीना मैडम ने किया, वो किसी इफ्तार पार्टी में जाती नहीं है, बब्बू खान साहब को वो भाई मानती है, स्पेशल हमारी रिक्वेस्ट पे वो इस बार फर्स्ट टाइम किसी इफ्तार पार्टी में आई, हस्बैंड की बहुत अच्छी तबीयत नहीं रहती है मगर डॉक्टर रिजवी हुसैन साहब को भी उन्होंने साथ में लाया, उन्होंने स्टेज सेव किया, हमारे साथ रोज़ा खोला, बहुत अच्छा लगा। हमारे एरिया से जीशान सिद्दीकी MLA हैं, उन्होंने समय दिया, बाबा सिद्दीकी साहब हैं एक्स मंत्री है, उन्होंने समय दिया और जितने स्टेज पे नेता आए थे हम सबका स्वागत करते हैं, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और अजीत भाई से चाहेंगे कि जहाँ भी हमारा प्रोग्राम हो ये पहुँचे और हम सब की आवाज़ आप लोगों तक पहुँचाए जो हमें सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। साथ में
साबिर भाई के साथी भी यहाँ पे मौजूद है, आप क्या बोलना चाहेंगे? हमको सबको, हम सभी को ये दिन दिखाया सबसे पहले, और हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन जनाब इमरान प्रताप गुरी साहब को बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने जो गाइडलाइन दी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था और बहुत लोग आए थे, काफ़ी मेहमान थे जो अनपॉलिटिकल भी थे, पॉलिटिकल लेवल के भी थे, जो सोशलिस्ट थे, काफ़ी लोग थे और काफ़ी अच्छा था माशाल्लाह। और सभी लोग ने मुबारकबाद दी और सब मुबारकबाद पेश किए और एक साथ इफ्तारी की, और इंशाल्लाह ताला मैं अल्लाह पाक से ये दुआ करूँगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर साल हम लोगों को ये दिन दिख रहा है और अपने बच्चों को एक साथ रोज़ा खोलने की इफ्तार करने की टॉपिक अदा करें। ये मोबाइल बाजी चल गया, अरे मोबाइल बाजी तो नहीं करते, एक जल्दी 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 चालू बोलो, चालू है चालू है चालू है, क्या बोलना चाहेंगे आज के दिन के बारे में? बहुत अच्छे बोलूंगा यार, आज देखो गुरु 15 रोजे थे और माशाल्लाह बहुत शानदार पार्टी यहाँ पे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़े बड़े लीडर यहाँ पे थे, मुंबई के अध्यक्ष थे, मैं यहाँ के बहुत अच्छा लगा, 15 रोजे पूरे हुए और ये आज फ्राइडे नमाज पढ़ के आए, बहुत ये सब चीज़ें जो है इसी की वजह से जो दुनिया चल रही है, देश चल रहा है हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग हैं यहाँ देखने को, मेरा मौका मिला ऐसे लोग के बारे में सर, जिस तरह से प्रोग्राम हुआ आज का, जो शुभकामनाएँ बात करें, मेरी अफ्तारी होती है वहाँ पर, कपड़ा होता है, रोज़ा खुलते हैं और एक अच्छा माहौल बनता है सभी रोज़गारों का, शुभकामना मतलब अच्छी बात है कि सभी रोज़गार आते हैं, ये सभी मेहमान मेहरबानी करके खाना खा के जाएंगे, थैंक यू थैंक यू, दोनों साइड काउंटर लगा हुआ है, मेहरबानी करके आज के दिन के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप, जिस तरह से दावत इफ्तार हुआ, काफी सारे लोग आए मुंबई कांग्रेस के, सभी मेहमानों का
अपनी जगह काम करते हैं बेटा, जरा पीछे हट जा। फोटो ले लो तुम्हारी। हाँ राजेश भाई।